हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बेबी बॉन्ग टोकन के अगले पंप या फिर डंप के बारे में, यानी कि अब जो पंप आएगा वो कितना बड़ा हो सकता है या फिर डंप आएगा तो कहां तक जा सकता है। साथ ही में इसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में कि कब यहां पर हमें एक्सचेंज लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 0.10 के बाद $6.1 इसकी प्राइस चल रही है और आज इसमें 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक बार पंप हुआ, फिर वापस से डंप हुआ, अब यहाँ पर अभी फिलहाल साइड वेज में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वन मंथ का ग्राफ देखते हैं तो 35% ऊपर है और 7 दिन में लगभग यहाँ पर 144% का रिटर्न इसने ओनली फॉर 7 दिन के अंदर दिया है। 0.10 के बाद 2.5 इसकी प्राइस चल रही थी और अभी आप देख सकते हैं 6.1 इसकी प्राइस चल रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और बेबी बॉन्ग टोकन में काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी आपको हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर अगर जिसने ओल्ड टाइम हाई पर बाई किया हुआ है तो थोड़ा बहुत वो भी लॉस में चल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द हमें रिकवर होता दिख सकता है और एक न्यू ओल्ड टाइम हाई हमें बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग यहाँ पर कमज़ोर हुई, यानी कि छोटा मोटा एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पर हमें डंप भी देखने को मिल सकता है। आप अपने प्रॉफिट पर नज़र जरूर रखें। मार्केट कैप की बात की जाए तो $24.59 मिलियन की मार्केट कैप है एंड इसकी जो रैंक है वो 813 है। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम $15.99 मिलियन की चल रही है। इसकी जो डेली वॉल्यूम आ रही है वो लगभग $15 मिलियन के अराउंड आ रही है। वॉल्यूम के अंदर हमें 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर यहाँ पर ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं तो 25,600 फॉलोअर्स इनके ट्विटर अकाउंट पर कंप्लीट हो चुके हैं। कम्युनिटी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है और बेबी बॉन्ग टोकन ने यहाँ पर 9 घंटे पहले ट्वीट किया है, द किंग ऑफ ऑल BNB मीम कॉइन, यानी कि BNB पर जितने भी मीम कॉइन हैं उनका किंग ये टोकन है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। $15 मिलियन डेली वॉल्यूम, यानी कि जो डेली वॉल्यूम आ रही है वो $15 मिलियन आ रही है। मई 13 ऑफिशियल CEX लिस्टिंग अनाउंसमेंट, यानी कि 13 मई को ऑफिशियल यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कौन से एक्सचेंज पर ये आने जा रहा है। अगर टॉप Tier 1 एक्सचेंज होती है जो कि Top 10 में आती है तो यहाँ पर हमें पंप जो देखने को मिलेगा वो 100-200% तक का पंप देखने को मिल सकता है और ये एक न्यू ओल्ड टाइम हाई पर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ही छोटी लिस्टिंग हुई या फिर छोटी मोटी एक्सचेंज लिस्टिंग जिसका नाम जानते भी नहीं है एंड उस पर वॉल्यूम भी कम है, अगर ऐसी लिस्टिंग हुई तो यहाँ पर हमें डंप भी देखने को मिल सकता है। वो यहाँ पर 13 मई से पहले हमें डंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र जमाए रखें, इसका अनाउंसमेंट का यहाँ पर देखते रहे, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें ताकि आपको लगे कि अगर छोटी एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है तो फिर डंप देखने को मिल सकता है और अगर बड़ी एक्सचेंज लिस्टिंग है उसके बाद मार्केटिंग अपडेट्स लाता है तो यहाँ पर हमें जो पंप देखने को मिलेगा वो काफ़ी शानदार पंप होगा। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड बी मेक इट इन Web3 4 घंटे पहले ट्वीट करते हैं, बेबी बॉग इज वन ऑफ द टॉप मीम कॉइन गेनर्स इन 24 आवर, यानी कि 24 आवर में 50% एंड 7 दिन में 155% का रिटर्न इसने दिया है। सो वी डिसाइड टू लुक एट दिस पोटेंशियल, बेबी बॉन्ग कॉइन इज 12x फ्रॉम बेबी डॉज, यानी कि बेबी डॉज के बराबर आने के लिए इसको 1200% का रिटर्न देना होगा और बॉन्ग के बराबर आने के लिए इसको 7200% का, साथ में अगर डॉज कॉइन के बराबर आना चाहता है तो इसको 996x यानी कि 9960% का रिटर्न इसको देना होगा, जो कि अभी फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर बुलरन में ये बॉन्ग की बराबरी कर सकता है लेकिन यहाँ पर डॉज कॉइन की बराबरी नहीं कर सकता, ये बेबी डॉज उनको पीछे छोड़ सकता है लेकिन बॉन्ग और डॉज कॉइन को यहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये पीछे छोड़ दे। हाँ, लेकिन ये यहाँ से 100x का प्रॉफिट हमें आसानी से दे सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।